हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है चिकन कीमा रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चिकन कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन को ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख दिया है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पांच बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह से कट कर रख दिया है। तो हमने जो चिकन को ग्राइंडर में ग्राइंड करके रखा था, इसको अभी मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दी है, देख सकते हैं आप लोग। और नमक को डालने के बाद इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, वो डाल देंगे। और ऑयल को डालने के बाद फिर से हाथ की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। उसके बाद ढक्कन की मदद से इसे ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सभी मसाले जो है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुका है। तो इसमें दो बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो अभी हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसमें मैंने तीन इलायची, दो लौंग और तीन दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं। और उसके बाद दो तेज़पत्ते को इस तरह से तोड़ कर डाल देंगे। और उसके बाद हमने जो काट के रखा था प्याज, वो डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो प्याज का कलर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो इसमें मैंने तीन हरी मिर्च को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली है, वो डाल दी है। और अभी प्याज को और दो मिनट के लिए फ्राई करना है। जब तक प्याज एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक प्याज को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है, गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के, नहीं तो हमारा प्याज जल जाएगा। प्याज को जितने देर तक फ्राई करेंगे, हमारा जो चिकन कीमा है उतना ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने यहाँ पे दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी है, देख सकते हैं आप लोग। और उसको भी अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से चला जाए। तो देख सकते हैं आप लोग, प्याज को और अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। उसके बाद हमने जो पेस्ट बना के रखा था टमाटर का, वो डाल दी है। और उसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दी है। तो नमक आप ध्यान से ही डालना, क्योंकि चिकन पे भी मैंने पहले से ही थोड़ा सा नमक डाल के रखा है, इसलिए आप ध्यान से ही डालना। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने टमाटर को भी गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के दो मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई किया है। हमने सभी प्याज और टमाटर को मैंने लगभग 10 मिनट के लिए फ्राई किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी है और डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और एक चम्मच जीरा पाउडर भी डाल देंगे। और उसके बाद एक चम्मच साबुत जो धनिया होता है वो डाल दी है मैंने, और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसे मिक्स करने के बाद हमने जो मैरिनेट करके चिकन कीमा को रखा था, वो डाल देंगे। और उसको डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं, मैंने सभी
को अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी मैंने यहाँ पे लगभग 2 ग्लास डाला है और पानी को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही झटपट बन जाता है चिकन कीमा जो है। उसके बाद ढक्कन से ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के। तो देख सकते हैं आप लोग, 5 मिनट हो चुका है। अभी ढक्कन को हटाएंगे और हमारा जो चिकन कीमा है उसको चेक करेंगे। तो इस तरह से चम्मच की मदद से इस तरह से थोड़ा चेक करेंगे ये अच्छी तरह से पका है या नहीं। ये तो कीमा है, अच्छी तरह से पक जाएगा, बिल्कुल समय भी नहीं लगेगा। तो 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से पका ली है और अभी हमारा जो चिकन कीमा है वो भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और हरा धनिया को डालकर 2 मिनट के लिए और थोड़ा पकाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, 2 मिनट हो चुका है और हरा धनिया के साथ मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका ली है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने जो चिकन मसाला होता है वो डाल दी है और चिकन मसाला को डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। और उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उस पर फिर से हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारा जो चिकन कीमा है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए एक बोल पे ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बोल ले ली है और अभी इसको डाल देंगे बोल पे। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी लगता है इसको खाने पे। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है, बिल्कुल समय भी नहीं लगता। 10 मिनट पे हमारा जो चिकन कीमा है वो बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पे सभी को निकाल ली है। उसके बाद इसके ऊपर फिर से थोड़ा हरा धनिया डालकर सर्व कर देते हैं। तो फाइनली हमारा जो चिकन कीमा है वो बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ, चपाती के साथ और राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप लोग भी इस तरह से इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को। और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।